के लिए सब्जी इस तरह से बनाई होती है। बहुत ही मैंने यूट्यूब में जस्ट देखा, इसका अगले दिन ही मैंने बना ली क्योंकि मुझे ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी। तो केले को काट के ऐसे मैंने थोड़ा सा चुटकी भर नमक हल्दी देके इसे एक सीटी के लिए लगा दिया था और मसूर दाल मैंने भिगो के रख दिया था। उस वीडियो में बेसन इस्तेमाल किया था, मैंने सोचा मसूर दाल इस्तेमाल करते हैं, तो इसे पेस्ट बना के घोल बना लिया पतला, और फिर जगह थोड़ा सा धनिया पत्ता और फिर जीरा और हल्दी नमक चिली पाउडर देकर अच्छे से इसे घोल बना के और केले को छील के इसका प्रेस करना है, इसे मतलब मैश नहीं करना है, और इसे डिप करके फ्राई कर लेना है। और इसी तेल में थोड़ा सा मैंने जीरा तेजपत्ता और आलू का अच्छे से भुनने के बाद थोड़ा सा मैंने ग्रीन मटर दे दिया, और इसके बाद आलू के साथ थोड़ा सा टमाटर और मिर्च के मैंने पेस्ट बना के दे दिया। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया, जितने भी मसाले होते मैंने दे दिया इसमें। फिर लास्ट में थोड़ा सा जब ये ग्रेवी दे देंगे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर जैसे ग्रेवी देने के बाद फिर ये पकौड़ी जो बनाए थे इसे देने के बाद गर्म मसाला दे के धनिया दे के और इसे सर्व कर दिए। बहुत ही डिलीशियस होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।